देश में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले इस साल में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव हैं और राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी महंगाई के मुद्दे पर एक सियासी दांव चल दिया है, एक सियासी दांव खेल दिया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 10 कदम आगे चल गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कह दिया है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे देंगे। अब उनकी यह घोषणा तब हुई जब मंच पर उस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद थे और आगामी चुनाव में यह घोषणा, यह ऐलान कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकती है। कैसे, समझाते हैं। गरीबों को महंगाई से राहत पहुंचाने के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कई कदम आगे चल गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2022 में ऐलान किया था कि उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को होली और दीपावली पर एक एक घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया था। इधर अशोक गहलोत ने राजस्थान के विधानसभा चुनावों से साल भर पहले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और अन्य बीपीएल कार्ड होल्डर्स को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा ताकि गरीबों को महंगाई से राहत मिले। स्टडी कर रहे हैं, अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर, इसलिए अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे, उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला, 1040 वाला है वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये घोषणा आगामी विधानसभा चुनावों में काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अभी तक केंद्र सरकार के साथ यानी बीजेपी के पक्ष में माने जा रहे थे, लेकिन अब उन्हीं गरीब परिवारों को गहलोत बड़ी राहत देने जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि उन्हें सब्सिडी नहीं मिल रही। उधर उन्हीं गरीब परिवारों पर अशोक गहलोत की सरकार ने दांव खेल दिया है। राज्य में 69 लाख से ज्यादा उज्ज्वला योजना के लाभार्थी और करीब 5 लाख ऐसे बीपीएल हैं जो इस योजना से जुड़े नहीं। इस सभी 76 लाख परिवारों को अशोक गहलोत कांग्रेस से जोड़ना चाहते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी के बड़े वोट बैंक को कांग्रेस अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। बताते चले 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की मौजूदगी में ये बड़ा ऐलान किया है। बेरोजगारी और महंगाई देश के दो बड़े मुद्दे हैं और यही दोनों मुद्दे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।